कोई भी नौजवान जिन्हें इत्थे पहुंचे जो ये बड़ा सवाबी मेल बनिया, महाराज ने को बख्शिश की है तुहाडे ते मेरे ते, मेरे ते बख्शिश करके मेरे मूहों तुहानू एक वाया भी तुसी इत्थे पहुंचो। सदा महाराज दा ही है, मेरा नहीं है। सो जे महाराज ने बख्शिश की है तो खाली नहीं मुड़ना किसी, सारिया ने अपनिया झोलियां भरा के मुड़ना। सारे सिखां ने, भैणां ने, बीबिया ने, बीबिया ने तुहानू भी पता है भी तुसी जे अखंडे बाटे की पौल नहीं छकदियां तो यह किसी खुश करने वाला ही चक्कर है भी किसी बीबी लगता होगा भी देखो जी मैं जे रोम ना कटे, जे मैं भरवटे ना बनाए तो हो सकता भी मैनू कोई सोहना ना आखे। कलगीधर पातशाह ने तुहानू इदां ही सोहना आखिया, उन्होंने तुहानू अपनियां बच्चियां इसे तरीके ने स्वीकार किया है। जे अपना आप बदलना है फिर संसार नू सोहणे लग सकते हो, उस खसम नू सोहणे नहीं लग सकते। तो नौजवानों नू इहो ही, तुसी नाइयां को जांदे जो तो नाई नू जाके कहिंदे जो भी अज दा जिहड़ा फैशन है मेरे वाल उदां दे कर दे, वो करा के आउंदे जो तो बाहर आण के कोई कहिंदा भी नहीं अज फैशन बदल गया अज दूजा आ गया, फिर जांदे जो फिर वो इधर नू कर दिंदा, कदी खड़े कर दिंदा कदी बिठा दिंदा। असीं भी इह काम कीते जीवन भर, पर हुण देखो दुनिया दे विच सब तो वड्डा नाई अकाल पुरख साहब आप, उन्हें जिदा तुहानू बना के भेजिया तुहानू छेड़न की लोड़ नहीं, उस तरीके नाल तुसीं उहनूं खूबसूरत लगदे। सो ये जिहड़ी बेनती मैं कीती है तुहाडे चरणां दे विच, ये अपना निक्का भरा जाण के देखो मेरी कोई सेवा पंथ की अगवाई करन दी नहीं लगी, मेरी जे तुसीं सेवा लाउणी है जुत्तियां झाड़न दी मैं बाहर बैठ के झाड़न लग पई, जे तुसीं कहिंदे जो तू पिछे होके बह जा असीं अगे बोलदे हां तां मैं पिछे बैठ जाणा, पर जे तुसीं मैनूं मानदे जो कि मैं तुहाडी अगवाई करनी है मैं तुहानू नाल लैके तुरना है तुसी मेरे नाल तुरना, तो फिर मेरी यह बेनती कबूल करनी है। इस स्थान पर पहुँचे हैं तख्त श्री केसगढ़ साहब जिथे गुरु साहब ने सीस लए सन, जिथे गुरु साहब ने सीस धड़ तो जुदा करके खंडे बाटे की पौल तैयार की, अमृत ना फिर उन्होंने सिखा जीवदे किया, मौत के भय तो वकारा तो मुक्त कर दिता। उस स्थान के उत्ते असी कलगीधर पातशाह अज हाजिर नाजर जान के ये निश्चय करना है भी पातशाह असी तेरे दर तो सुके नहीं मुड़ना, असी तेरे दर तो ये खंडे बाटे की पौल जिहड़ी गुरु साहब ने गुरु नानक पातशाह तो लैके कलगीधर पातशाह तक इन्निया कुरबानियां इन्ना वड्डा संघर्ष इन्ना कुछ कदी तत्तियां तवियां ते बैठना कदी सीस कटाउणा कदी संसार की यात्रा करनी नंगे पैरी तुर, ये खंडे बाटे की पौल फिर तैयार हुई है। ये नहीं भी कुफर ना आया दिमाग च ते मिठे पतासे घोल के खंडे बाटे की पौल तैयार हुई, ये पिछे बहुत वड्डियां कुरबानियां ने। इस खंडे बाटे की पौल नूं कायम रखण लई किन्ने सिखां ने कुरबानियां कीतियां। सो असी अज निश्चय करना है महाराज अगे जे तुहाडा मन नहीं ना बनता, एक तरीका महाराज विराजमान ने इन्हां कोल सारा कुछ है, ये समर्थ ने, इन्हां अगे अरदास बेनती करो कि सतगुर सच्चे पातशाह साढ़े मन जिहड़े ने वह वकारा नाल भरे ने, साडा मन नहीं मन रहा, सो कृपा करो साडे उत्ते सानू तुसी आप खंडे बाटे की पौल बख्शो ते आप ही रहत बख्शो। रहत दी तुहानू लगता ना रहत नहीं रख सकते, बहुते नौजवानों ने यही है भी साढ़े को रहत नहीं रखी जानी, देखो जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह तुहानू सवास बख्शदा जिहड़ा माँ के गर्भ के तुहानू जीवदे रखता उत्थे कि ऑक्सीजन की है खाना कित्थों आउंदा तुहानू नहीं ना पता, जिहड़ा तुहानू सुत्यां नू जीवदे रखता सुत्यां बंदा मरिया हुंदा तुहाडे लागे कोई तुहाडा कातल खड़ा होवे तुहानू पता नहीं लग सकदा उत्थे भी तुहानू जीवदे रखता फिर उठालदा भी है फिर तुरन जोगा भी कर दिंदा, वह महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे को रहत भी रखाऊगा। पर जे तुसी अपनी मत अपना सब कुछ त्याग के उन्हें कहोगे कि महाराज कृपा करो जे अमृत वेले नहीं उठाया जाता तो अरदास कितने अगर करनी सतगुरु सच्चे पातशाह। सो इन बेनतियां मैं करनी सन